सर। देखिए दिव्यांशु, आईटीसी में नीचे में काफी अहम सपोर्ट है, 204 205 के अराउंड, और 19 स्तरों से एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है दिव्यांशु, होल्ड करें, ऊपर में 211 212 के लेवल जब क्रैक होंगे, 211 212 के लेवल जब क्रैक होंगे तब इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। और दिव्यांशु, सुबह सुबह अनिल जी ने एक प्रश्न करा था, उन्होंने लीवर को स्पॉट करा था और पूछा था कि लीवर चलेगा तो निफ्टी को संभालेगा कि नहीं संभालेगा। तो मेरा भी दिव्यांशु अनिल जी से एक प्रश्न है कि पूरा एफएमसीजी चल रहा है, आईटीसी में वो करंट मिसिंग है, तो ऐसा क्यों अनिल जी? ओके अनिल जी बंसल जी पूछ रहे हैं कि एफएमसीजी में मूव आ रही है और इंडेक्स को सपोर्ट देने की भी कोशिश कर रहा है, आईटीसी कब चलेगा सर? चलेगा कब का जवाब तो किसके पास है, लेकिन हाँ चलेगा ये जरूर है। मेरे ख्याल से जब सबका धैर्य खत्म हो जाएगा, अभी भी बहुत लोग उम्मीद लगाकर बैठेंगे ये चलेगा, जिस दिन सब लोग मान लेंगे कि नहीं चलेगा, मेरे ख्याल से वो दिन होगा तब ये चलेगा। तो बंसल जी आपको उम्मीद है ये चलेगा? हाँ जी मुझे तो उम्मीद है, बट अनिल जी मुझको उस खेमे में मत रखिए, आप मुझको उस खेमे में मत रखिए कि मैं उम्मीद छोड़ूंगा। अनिल जी मैं उम्मीद थोड़ा सा और वक्त है, जब तक बंसल जी को उम्मीद है तब तक थोड़ा सा वक्त है। बंसल जी एक बार आप थोड़ी सी अपनी उम्मीदें कम करें कि आप तो इसको अगले बुल रन में ही चलना है, उसके बाद देखिए फिर क्या होता है। ये तो ठीक है, मजाक वाली बात है, लेकिन डीप वही है कि हर स्टॉक का एक वक्त होता है, किसी का अच्छा और किसी का बुरा। तो शायद आईटीसी अभी भी अपने बुरे वक्त से निकला नहीं है, देखो कब होता है क्या होता है, लेकिन होगा ये बात पक्की है, वक्त किसी को पता नहीं, यही है खूबसूरती बाजार की। आइए बढ़ते आगे और ढेर इसमें इस वक्त, और यहाँ पर आपके लिए राय बायबैक पर 710 से 760 रुपए के रेंज की आती हुई हमारी टीम की तरफ से। चार्ट के लिहाज से भी एक बार समझ लिया जाए अगर खरीदना है तो कौन सी रेंज सही होगी इसके लिए, यहाँ पर एंट्री करने के लिहाज से कावेरी सीट्स में वो भी एक बार देख लिया जाए चार्ट पर किस तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। बताएं किरण जी किन लेवल पर एंट्री करनी चाहिए अगर किसी को पोजिशनली खरीदना है, यहाँ से खरीद कर बायबैक में टेंडर करना हो? अनिल जी लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखते हैं तो करंट लेवल्स सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं, तो करंट लेवल्स 565 से लेके 550 ये बाइंग जोन रहेगा कावेरी सीड्स के लिए। और मैं मानता हूँ कि जो पुल बैक आएगा, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 675 का है, तो 675 मेरा टारगेट रहेगा अगर ये पॉजिटिव न्यूज आती है तो। 675 तक जा सकता है अगर मूड माहौल ठीक रहे और यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखे, तो ये हो सकता है आपके लिए बायबैक के लिहाज से इस स्टॉक में कावेरी सीट में आप कर सकते हैं ये एक्शन पूरा का पूरा। आइए एक्शन कुछ और बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और हमारे मारुति जो है अपने प्रोडक्शन कट्स करने वाली है, उनका जो मानेसर प्लांट है वहां पर सेमीकंडक्टर के इश्यूज हैं, उसके पहले टाटा मोटर्स का भी हमने देखा। पर अब जो ग्लोबल कंपनियां हैं जिसमें वोक्सवैगन टोयोटा जैसी कंपनियां शामिल है, वहां पर भी अब प्रोडक्शन कट आने वाले हैं। खासकर अगर मैं वोक्सवैगन की बात करूं तो अब ये अंदेशे लगाए जा रहे हैं, वोक्सवैगन ग्रुप ने ये कहा है कि यहां पर चिप की कमी होने के कारण जो शॉर्टफॉल होगा और जो प्रोडक्शन कट होगा वो आगे के लिए काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अब ये बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि जो तीसरी तिमाही है वहां पर पर्टिकुलरली काफी ज्यादा वॉलेटाइल और टाइट सिचुएशन रहने वाली है सेमीकंडक्टर सिचुएशन को लेकर। इनफैक्ट सितंबर महीने में उत्पादन में करीब 40% की कटौती जो है टोयोटा करेगा, ऐसा उन्होंने ऐलान कर दिया। और उसकी वजह से जापान में इनका जो मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट में इनकी जो लिस्टिंग है उसमें करीब 4-4.5% की गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट 9 लाख वाहन ये बनाने वाले थे, उसके अनुमान के मुकाबले अब केवल करीबन 5 लाख वाहन ये बनाते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली वोक्सवैगन और टोयोटा जिस तरह का प्रोडक्शन कट जो है इन्होंने अनाउंस किया है, खासकर टोयोटा ने तो क्वांटिफाई भी कर दिया इसको लेकर आगे जो कंपनियां हैं इनसे जुड़ी हुई जो कंपनी जो इनको सप्लाई करती है वहां पर इंपैक्ट आने का हमारा अनुमान है। जहां पर मदरसन सुमी इन फोकस है, आप देखिए 4-4.5% की गिरावट यहां पर हमें आज के सत्र में देखने को मिल रही है, क्योंकि वोक्सवैगन ग्रुप से आय का करीब
करीब 28% हिस्सा जो है ये कैरी करते हैं, और FY19 में तो कुल आय का यूरोप से करीब 40% हिस्सा था। तो डेफिनेटली ग्लोबल जितनी भी कंपनियां हैं वहां पर चिप शॉर्टेज का इम्पैक्ट आ रहा है, और लाइक वाइज जितनी भी ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पर सुप्राजित इंजीनियरिंग भी इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों में सप्लाई करती हैं अपने, वहां पर भी इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है आपको। बट डेफिनेटली ये सारी कंपनियां सेमीकंडक्टर इशू अभी भी और गहराता हुआ दिख रहा है। आपके लिए सारी सेमीकंडक्टर्स और OEMs बनाने वाली कंपनियां, इनके लिए बड़ा मुश्किल वाला वक्त, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की और चिप्स की सप्लाई बड़ी मुश्किल से होती हुई दिख रही है, और इससे कई सारी कंपनियों को यहाँ पर नुकसान होता हुआ आप साफ देख रहे हैं। देखते हैं कब तक ये सप्लाई फिर से बहाल होती है, और कुछ हद तक ऑटो कंपनियों में जो करेक्शन दिखा है, जो कुछ कमजोरी दिखी है, कुछ दबाव दिखा है पिछले कुछ दिनों में, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई नहीं है, उसके चलते प्रोडक्शन पर काफ़ी कुछ असर पड़ता हुआ दिख रहा है। जैन साहब, आज की लिस्टिंग पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। कार ट्रेड, अगर आप कोई ओपिनियन रखते हैं तो 1618 रुपये की इश्यू प्राइस, और आज वही हाई है, यानी कि 1600 रुपये के आसपास है, इसके ऊपर ट्रेड हुआ नहीं है, 1600 के आसपास लिस्टिंग हुई थी, कोई आइडिया क्या करना चाहिए कार ट्रेड में? अब 100 रुपये नीचे अपनी इश्यू प्राइस से, 1618 की इश्यू प्राइस के मुकाबले में 1510 है, क्या करेंगे? वेरी फ्रेंकली, जब मुझे भी रिकमेंडेशन देना था और हमने हमारे क्लाइंट्स को यही रिकमेंड किया था कि ओनली हाई रिस्क टेकिंग कंपल्सिव, बताएं सेठी साहब क्या है आज इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज इरादा है एक ही स्टॉक में खरीदारी करने का, कैश मार्केट का स्टॉक है, वहां पे खरीदारी करनी है अनिल जी। अच्छा, एक ही स्टॉक है और वो भी खरीदारी करने का, बताएं सर कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने? बिल्कुल अनिल जी, आज जो स्टॉक पिक किया है वो टेक्सटाइल स्पेस से है, स्टॉक का नाम है लक्स इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 4090 के लेवल पे ट्रेड करता है, एक सॉलिड कंपनी है फ्रॉम द टेक्सटाइल होजरी नेटवेयर इस सेगमेंट से, जो कि मेन वीमेन हर सेगमेंट किड्स चिल्ड्रन सबके लिए प्रोडक्ट बनाती है, एक पॉपुलर ब्रांड है इनका जो लक्स ब्रांड है, प्लस उसके अंतर्गत और कई सारे ब्रांड है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और ब्रांड एम्बेसडर भी बहुत ही पॉपुलर ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे विराट कोहली है, वरुण धवन है, और बाकी कंपनी के फंडामेंटल दमदार है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 19-20%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 27% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36%, एक बहुत ही लो डेट कंपनी है, 0.12 का डेट इक्विटी रेशियो, पिछले 3 साल में जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है, पैट का कैगर अराउंड 80-85% का, और इसमें जून क्वार्टर में भी अच्छे नतीजे थे, 63 करोड़ का पैट आया, जो पिछले साल जून क्वार्टर में 30 करोड़ का पैट था, और प्रोमोटर्स ने कंटिन्यूसली अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, मार्च क्वार्टर में जहां उनकी हिस्सेदारी थी 69.51%, वो जून क्वार्टर के अभी जो नंबर्स आए हैं उसमें प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ के हो गई है 74.39%, मतलब एक ही क्वार्टर में करीबन 5% हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है, शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है इसमें 4,200-4,250 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है, स्टॉप लॉस रखना है 4,050 का। 50 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी, लक्स इंडस्ट्रीज ये है एकमात्र स्टॉक सेठी साहब की पसंद का आज के लिए। आमतौर पर सेठी साहब शॉर्ट कॉल तो देते नहीं है, और जब मार्केट का मूड माहौल खराब हो तो ज्यादा से ज्यादा नोटा का इस्तेमाल करेंगे, या 2 के बजाय 1 स्टॉक आपको देंगे, और आज वो 1 स्टॉक आता दिख रहा है आपके लिए लक्स इंडस्ट्रीज। मेटल्स पर सेठी साहब कई बार लगातार बुलिश रहे, कमजोर बाजार में खरीदारी की राय भी दी, सेठी साहब क्या मेटल शेयरों में खरीदारी का मौका आ रहा है, थोड़ा और इंतजार किया जाए? देखिए अनिल जी, मेटल सेक्टर पे अभी भी बुलिश हूँ, ये जो साइकिल है लंबा चलने वाला साइकिल है, हालांकि देखिए जो कल जो खबरें आई, जो सिंगापुर जो ऑस्ट्रेलियन एक माइनर ने कहा कि ये जो आयरन ओर के प्राइसेस पीक आउट हो गए, उसके बाद हमने सभी मेटल्स में गिरावट देखी और उसका असर हम पूरे मेटल सेक्टर में देख रहे हैं, बट मुझे लगता है ये सही मौका है यहाँ पे खरीदारी शुरू करने का, एक स्टैगर्ड रूप में खरीदे और गिरावट आती है तो ऐड करिए, और पर्टिकुलरली मुझे लगता है वेदांता जो कि करंट लेवल्स पे 274-275 के लेवल्स पे अच्छा लग रहा है वापिस से, फिर आपके टाटा स्टील है, NMDC है, सेल है, JSW स्टील, मतलब जितने भी है फ्रंटलाइन मेटल काउंटर्स है, अच्छी खासी सब में 15-20% की गिरावट आ गई है हाई से, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करें और स्टैगर्ड रूप में करें, थोड़ा थोड़ा करके लेना शुरू करें, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में जल्दी इसमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी।
तो ये है आपके लिए राय इस वक्त मेटल शेयरों पर सेठी साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बेहतरीन पिक देने के लिए। जैन साहब भी आपको देने के लिए तैयार है एक बेहतरीन पिक, सुरक्षा पिक, सुरक्षा बंधन। बताए वागे साहब जी, मैं पिक ऑफ द वीक बताऊ उसके पहले अभी मैंने पहले एक आधे घंटे पहले ब्रिटानिया में कॉल दिया था, उसका टारगेट आ गया 100 रुपए का और अभी लगभग 130-140 रुपए ऊपर है। मेरे हिसाब से ये मूव कंटिन्यू होनी चाहिए। मेरा पिक ऑफ द वीक वही स्टॉक है जो हमने परसों बात की थी और ये आरके कॉर्नर में भी आया था, बजाज फिनांस। अभी 6690 का भाव है, मुझे अभी लेना है नीचे और 6640-50 रुपए की रेंज रखनी है, नीचे आता है तो और ऐड करना है। एक 100 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा 6560 का और अगले हफ्ते का मेरा टारगेट होगा 6950-7300 रुपए की मूव है। आप एक 100 रुपए का रिस्क लीजिए, 1:3 का ट्रेड सेटअप है। ओके, तो बजाज फाइनेंस पर है वागले साहब का भरोसा और बाकी आप काउंटर्स देखिए जबरदस्त एक्शन में आपको आते हुए दिख रहे हैं। एफएमसीजी का आज दिन है पर उसके सामने बजाज फाइनेंस बढ़िया होल्ड आउट कर रहा है 2.5% ऊपर। देखते हैं क्या किरण जी को पसंद आ रहा है इस समय, चलते हैं उनके पास। बिल्कुल किरण का कमाल है। ₹13 के आसपास मिल रहा है वो बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 10 रुपए, 3 रुपए का रिस्क है और रिवॉर्ड्स के लिए मैं मानता हूँ अगले गुरुवार तक ये 25-26 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। तो 25-26 यानी इधर से लगभग 10-12 रुपए का रिवॉर्ड रहेगा, रिस्क सिर्फ 2 रुपए की है। तो मेरा मानना है ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बेहतरीन है, तो ये बर्जर पेंट्स बाय करने की सलाह है अगले गुरुवार तक की पोजिशन है एक्सपायरी तक के लिए। क्या व्यू है, आखिरी एक घंटा बाकी है ट्रेड का, चलते हैं मार्केट स्ट्रेटजी के लिए अनिल जी के पास। बताए वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। आई थिंक यही स्पेस में रहना ठीक होगा। मेरे रडार पर आया है ब्रिटानिया 3820-3825 के करंट भाव से बाय करें, 3780 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1% की रिस्क होगी और मुझे लगता है 3900-3950 तक यहां से आज और मंडे तक आनी चाहिए। तो ये है आपके लिए ब्रिटानिया में खरीदारी करने की राय, 3780 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करें 3900 तक के टारगेट के लिए। यहाँ पर वागले साहब की तरफ से खरीदारी की राय, एक ही स्पेस है जो है मजबूत और खरीदारी का मौका दे रही है, वो है आपके लिए एफएमसीजी की। आइए बढ़ते आगे, एक स्टॉक जो है एक्शन में, फोकस में, रडार पर, कावेरी सीड्स, जिसने हाल ही में आपके लिए ऐलान किया बायबैक का। हमारी रिसर्च टीम ने एक्सक्लूसिव रिसर्च की और आपके सामने रख रही है कितना बायबैक